मैं हूँ न्यूज प्लस वन से सना नाज। आज की उर्दू की खबरों में आपका खैर मकदम है। यह हमारे साथ कमलेश चौधरी जो कि महिलाओं के बारे में काफी दिनों से मेहनत करती चली आ रही है और महिला जागरण विकास संस्था से जुड़ी हुई है, तो इनसे पूछेंगे इनके क्या विचार हैं दहेज के मामले में। दहेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या दहेज के लिए बच्चे को जो सताया जा रहा उसके लिए क्या करना चाहिए। मेरे ये विचार हैं, मेरा नाम कमलेश चौधरी, मेरे ये विचार हैं जो दहेज मांगा जा रहा है, पहले शुरू में तो कह देते हैं दहेज नहीं मांग रहे, खाली लड़की चाहिए, बाद में फिर लड़कियों को टॉर्चर करने लगते हैं, सताने लगते हैं। तो मेरे ये विचार हैं कि जो दहेज वाले लालची लोग हैं उनको कुछ समझाया जाए, बताया जाए। हमारे हिंदुस्तान में दहेज पे पहले बहुत पाबंदी थी, आजकल बहुत चलता जा रहा है, ये बहुत लालची लोग हो रहे हैं और इनके लिए हम बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि जिनके लड़की ना आए उन्हें क्या पता लगेगा कि दहेज क्या होता है, और जिनके लड़की हैं उन्हें पता है कि लड़की को कैसे पालते हैं, कैसे पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं। आजकल के हमारे हिंदुस्तान में लड़के इनसे लड़की ज़्यादा पदवी पा रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, बहुत मेहनत भी कर रही हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं माँ बापों का। और किसी किसी लड़की की तो बहुत ही मट्टी खराब हो जाती है ससुराल में जाके, ऐसा जो ना होना चाहिए, और हम इस चीज़ से बहुत खिलाफ हैं। हमारी आवाज़ अगर जो सरकार तक जानी चाहिए, सुननी चाहिए, और इन लड़कियों के लिए कुछ सुविधा करे सरकार, कि ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए।